आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप जो है अपने मोबाइल से इस तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो को आप अपने मोबाइल से कैसे क्रिएट करेंगे, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो गाइज, पासपोर्ट साइज फोटो को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पे सर्च करना है कट आउट प्रो। जैसे कि मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं और ओके वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस शो होने लगेगा। तो सिंपली आपको पासपोर्ट फोटो मेकर वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी फ़ोटो का पासपोर्ट साइज़ बनाना है, सिंपली आपको यहां से अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस फ़ोटो को आपको अपलोड कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फ़ोटो को यहां से पासपोर्ट साइज़ जिस फ़ोटो को बनाना है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने गैलरी से, और ये जो राइट का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस शो होता है। मैं जो भी फ़ोटो को अपलोड किया, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन शो होने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड किया। तो सिंपली आपको ये जो फ़ोटो स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके आपको जिस भी टाइप का आपका चाहिए यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहां से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे पेपर साइज़ है, सिंपली मैं पेपर साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां पे मैं A4 साइज़ का मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे A4 साइज़ मैं इस तरीके से यहां सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद जो है, अगर आपको यहाँ से ये जो ड्रेस है इसको चेंज करना है, तो ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ड्रेस का ऑप्शन, सिंपली आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है और जिस भी ड्रेस को आपको यहाँ से चूज कर लेना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टी शर्ट पहना हुआ है फ़ोटो में, और आप देख सकते हैं मैं इस वाले कोट को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जो है, यहाँ से टी शर्ट का जो भी ड्रेस है यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और ये जो ड्रेस का ऑप्शन है यहाँ पे शो होने लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसका ये जो बैकग्राउंड में वाइट है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन है कॉलर का, तो सिंपली आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिस भी कलर को आप चूज करना चाहते हैं आप इस तरीके से चूज कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है क्रिएट हो चुका है। और इस तरीके से आप क्रिएट करके आप ये जो डाउनलोड वाले HD का ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फ़ोटो है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है अपने फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं।